What type of substance make better permanent magnet, ferromagnetic or ferrimagnetic? Justify your answer. तो जो हमारा ferromagnetic substance होता है, इससे हम permanent magnet जो है वो बनाते हैं। जो हमारा ferrimagnetic substance होता है, इससे हमारा permanent magnet नहीं बनता है। अगर हम इस substance को हम heat करते हैं, तो ये अपना magnetic character जो है वो lose कर देता है। लेकिन अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये अपना परमानेंट मैग्नेटिक करेक्टर जो है वो लूज नहीं करता। थोड़ा सा करेक्टर कम जरूर हो जाता है लेकिन परमानेंटली लूज नहीं होता, लेकिन ये परमानेंटली लूज कर देता है। इस कारण परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी जिसको कि हम फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहलाता है? तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आयरन आएगा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम एंड CrO2। तो अगर इन सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। दे सोर्स परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल के ले आते हो तब भी इनका मैग्नेटिज्म जो है वो बना रहता है, जबकि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही आप उनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे उनका मैग्नेटिज्म जो है वो गायब हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस का यूज जो है वो हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। तो इनका यूज कहां किया जाएगा? इनका यूज परमानेंट मैग्नेट को बनाने में किया जाएगा। अगर हम ऐसे सब्सटेंस को हीट कर देते हैं तो हीट करने पे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, फेरोमैग्नेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं, इस कारण वो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन जब हम हीट करते हैं तो उनका स्पिन जो है वो रैंडम हो जाता है। अब हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाए। तो हीट करने पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हर मेटल का अपना एक टेम्परेचर होगा जहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिज्म शो क्यों करता है उसका रीजन हम देखेंगे। हमको पता है कि आयरन मेटल जो है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो हम करेंगे। तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये उसका कॉन्फिगरेशन हो गया। अब हम 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में फिल करेंगे, करते हैं। तो 3d के 5 ऑर्बिटल हम बना लेते हैं और ये 4s का ऑर्बिटल है। अब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है डी में, 1, 2, 3, 4, 5 हुंस रूल, और ये 6, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में भरे जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे।
तो हुंस ने बताया था कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वन वन करके भरे जाएंगे विद सेम स्पिन, एक ही स्पिन के साथ भरे जाएंगे, चाहे तो आप क्लॉकवाइज स्पिन ले लो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से स्टार्ट करो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे, इसके बाद ही पेयरिंग होगी और स्पिन उनका कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आयरन मेटल में अब पता नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ये है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। तो जो आयरन मेटल है उसमें आयन एंड इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो कुछ आयन और इलेक्ट्रॉन जो है एक छोटे से एरिया में अगर अरेंज रहते हैं तो उस छोटे से एरिया को हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन मतलब जहां पे बहुत सारे आयन्स होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो इस डोमेन में इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, अनइवनली मूव कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और डोमेन का अरेंजमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन छूटना नहीं चाहिए, जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, तो जब डोमेन का अरेंजमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डोमेन का अरेंजमेंट हो जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसके बाद हम क्यूरी टेम्परेचर की बात करेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है। अब क्यूरी टेम्परेचर की जो डेफिनेशन होती है, इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अबव टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन मेटल का क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है, निकेल मेटल के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 358 डिग्री सेल्सियस होता है, कोबाल्ट के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 1131 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इसी को हम कह सकते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। अब ये फेरी मैग्नेटिज्म जो है वो क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। तो जब अनइक्वल नंबर में डोमेन्स का अरेंजमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं और इस फिनोमेनन को हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे, जो हमारा Fe3O4 है जिसको कि हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, MgFe2O4 एंड ZnFe2O4, इन सब्सटेंस में फेरी मैग्नेटिज्म होता है। जो हमारे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फेरोमैग्नेटिज्म का रीजन क्या होता है, तो देखो जरा, ये डाइपोल्स हैं जिनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब इस डोमेन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है वो अनइवनली हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं।
तो देखो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में असाइन हुए हैं और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं। तो अगर डोमेन्स का अरेंजमेंट जो है अनइक्वल होता है कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे और इस फिनोमेनन को हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।